असल डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आई एम केमिस्ट दिस इज लेक्चरर इमरान और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर अलेवन को डिस्कस करेंगे ठीक है दैट इज फ्राम केमिस्ट्री ऑफ क्लास टेन ठीक है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इससे लाजमी कुछ ना कुछ सवाल जो है ना आपके एग्जाम्स में आते हैं तो इस चैप्टर को आप लोगों ने थॉरली स्टडी करना है और स्टूडेंट्स आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताता चलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें अपनी बुक से पढ़ाया करें क्योंकि हमारे पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल मौजूद हैं जो आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट देते हैं लेकिन उनमें होता है क्या है कि वो आपके लेवल से बहुत हायर लेवल के ऊपर पढ़ा रहे होते हैं आल उनका नॉलेज बहुत अच्छा होता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है लेकिन आप टेंथ क्लास के स्टूडेंट हो तो अगर वो हायर लेवल पे जाके पढ़ाएंगे तो आपके लिए वो हेल्पफुल नहीं होने वाला सो so, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को उनकी रिक्वेस्ट पे उनकी बुक से पढ़ाऊँ सो so, हम क्लास टेंथ के चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है द फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन हमारे पास है इंट्रोडक्शन में कहता है कि स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज इज़ कार्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एटम मौजूद होता है ठीक है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ और उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडीज़ जो है वो हम करते हैं किधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ठीक है फॉर एग्जांपल हमारे पास है मीथेन मीथेन क्या है दैट इज़ नेचुरल गैस जो सुई गैस आप घर में यूज़ करते हो उसका फार्मूला होता है सी अब अगर आप देखो तो इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है कार्बन प्रेजेंट है ना तो हम कहते हैं कि मीथेन हमारे पास जो है दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं हाउएवर फ्यू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन सच एज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स आर कंसिडर्ड टू बी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आप लोगों ने क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री में डिफरेंट डेफिनेशनस पढ़ी हुई थी एक हफ्ते के पास होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है जो हमारे पास क्या है स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स और दूसरी हमारे पास होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें हम स्टडी करते हैं कंपाउंड्स अदर देन कार्बन एटम ठीक है या अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो अब हमारे पास ऐसी कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड सी ओ इसी तरह हमारे पास अगर कार्बोनेट्स हैं ठीक है सी ओ थ्री नेगेटिव वन नाइन अब यहाँ पर भी अगर आप देखो तो हमारे पास इसके अंदर कार्बन मौजूद है बट स्टिल इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से हम इनको कहाँ पे पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और इनको हम कहते हैं दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अब इसकी वजह क्या है दिस इज बिकॉज दे हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देन ऑर्गेनिक कंपाउंड अब ऑर्गेनिक कम्पाउंड कौन से हैं कंपाउंडस ऑफ कार्बन इनसे जो है ना इन ऑर्गेनिक कंपाउंडस जो आपके पास यहाँ पे मौजूद है कार्बोनेट्स कार्बन मोनोक्साइड वगैरह जिनके अंदर कार्बन मौजूद होता है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो टोटली चेंज होती हैं ऑर्गेनिक कम्पाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंडस प्ले अ वाइटल वाइटल कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल को ठीक है इन द बॉडीज़ ऑफ़ लिविंग थिंग्स अब हमारी जो बॉडी है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं जैसे आपके पास है कार्बोहाइड्रेट्स आप खाना खाते हो ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो उससे आपको एनर्जी मिलती इसी तरह प्रोटीन्स आप लोग खाते पीते हो ठीक है और उसके साथ फैट्स है, उसके हैं ऑयल्स हैं ठीक है ये सारे आपके पास क्या हैं दीज आर ऑर्गेनिक एंड नेचर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिकमिस्ट्री सचेज प्लास्टिक्स रबर सिंथेटिक फाइबर पेंट्स ग्लूज वॉर्निश आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड फ्लेवर ड्रब्स इसका मतलब है कि हमारे पास हमारे डेली लाइफ में हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट सब के अंदर हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक कम्पाउंड प्रजेंट है और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके नेम्स आपके सामने मैंशन किए गए हैं आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ ठीक है ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री के कम्पाउंड है दीज आर एम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ इन एडिशन द इनर्जी ऑन विच वी रिले हेविली इज़ बेस्ड मोस्टली इन ऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड इन कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अब अगर हम लोगों ने बाइक चलानी है ठीक है उसके अंदर हम क्या डालते हैं पेट्रोल डालते हैं अगर हम लोगों ने ईट पे बारबेक्यू बनानी है तो उसके लिए हमें कोयला चाहिए होता है और अगर हम लोगों ने गैस सर्दी में हीटर चलाना है तो उसके लिए हमारे पास नेचुरल गैस होती है तो अब ये सारे के सारे क्या हैं दीज ऑल आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और इसलिए हम इनको स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और आजकल अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन की बात करते हैं सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और दे आर कलेक्टिवली नॉन एज हाइड्रो कार्बन्स ठीक है अगर आपसे कोई पूछता है कि वट आर हाइड्रोकार्बन्स सो तो आप क्या कहोगे कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नॉन एज हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की के अगर आपसे कोई पूछता है कि मॉडर्न डेफिनेशन बताओ तो आप क्या कहोगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन या दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन और इन ही के डेरिवेटिव्स ठीक है कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स डेरा क्या होते हैं जो कि इन ही कार्बन और हाइड्रोजन से ऑप्टेन होते हैं डिराइव होते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास जो है एलेवन पॉइंट वन वो क्या है दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स परवेड्स एवरी आस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ हमारे लाइफ में ठीक है जितने भी आस्पेक्ट्स हैं सब के अंदर क्या के है केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके रोल्स हैं वी यूज़ थाउजेंड ऑफ़ कार्बन कंपाउंड एवरी डे हम अगर डेली लाइफ की बात करते हैं तो कहता है कि हम दिन में तकरीबन थाउजेंड ऑफ कार्बन कम्पाउंडस जो हैं वो यूज़ करते हैं दे आर कैरियंग आउट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन विद इन और बॉडीज ठीक है हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ द कार्बन कम्पाउंडस मैनी ऑफ दैम आर सो वाइटल वाइटल मीन इम्पॉर्टेंट दैट वी केन नाट लिव विदाआउट दैम कहते हैं कि कुछ इतने इम्पॉर्टेंट हैं ना कि उनके बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते A detailed study of organic compounds confirmed that carbon is their essential constituent. Constituent कहते हैं हिस्सा हिस्सा means जिसको हम English में part कहते हैं In combination with hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus and halogens. देखें कहते हैं कि जब डिटेल स्टडी की गई ऑर्गेनिक कंपाउंडस की तो देखा गया कि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूंट या पार्ट है ना वो कौन सा है कार्बन है बिसाइड कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन भी होता है इसके अंदर ऑक्सीजन भी है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है सल्फर भी होता है फॉस्फोरस भी होता है और साथ में हमारे पास हैलोजेंस भी होते हैं हेलोजेंस कौन से होते हैं हेलोजेंस आप लोगों ने क्लास नाइन्थ में पढ़ा हुआ है ग्रुप सेवन्थ ए के जो मेम्बर है ना पीरियोडिक टेबल में जैसे आप लोग पढ़ते हो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन और आयोडीन ठीक है एस्टोटीन भी होता है लेकिन एस्टोटीन क्या होता है ये हमारे पास रेडियो एक्टिव होता है तो ये जितने भी हमारे पास हेलोजेंस हैं ये हमारे पास ग्रुप सेवन्थ ए के अंदर होते हैं पीरियोडिक टेबल में इनको हम हैलोजेंस कहते हैं बिकॉज दे आर सॉल्ट फॉर्मर कि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं जैसे आप लोग पढ़ते हो ना सोडियम क्लोराइड के बारे में सोडियम क्लोराइड क्या है कॉमन या टेबल सॉल्ट अब इसमें सोडियम क्या है मेटल है क्लोरीन आपके पास कहाँ से आया हुआ है ग्रुप सेवन्थ ए का मेम्बर है एनी यहाँ पे बता क्या आ रहा है कि हमारे पास जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर मेन जो पार्ट होता है वो क्या है मेन जो एलिमेंट है दैट इज़ कार्बन और कार्बन के साथ साथ हमारे पास बाकी जो एलिमेंट्स हैं ये भी होते हैं दे मे आल्सो रेयरली कंटेन मेटल एटम अब इसके अंदर कुछ मेटल एटम जो है वो भी होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं रेयर मीन्स वेरी लेस बहुत कम ऑर्गेनिक कम्पाउंडस आर डिफाइंड एज हाइड्रोकार्बन एंड देयर डरावेटि अभी जैसे आपको मैंने बताया ना कि ऑर्गेनिक कम्पाउंड्स की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है कि दे आर नॉन एज हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बनस क्या होते हैं कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन और देयर डरावेटिवस के इनसे जो चीज़ें डराइव होती हैं जैसे हमारे पास है सी एच फोर अब सी एच फोर का क्या कहते हैं मिथेन लेकिन अगर आप सी एच थ्री ओ एच पढ़ते हो ठीक है अब ये क्या है दिस इज इन अदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे जिसको आप क्या कहते हो अल्कोहल ठीक है ये एक और क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड की अब ये डिराइव कहाँ से हुआ है ये हमारे पास इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव हुआ है सो इसलिए हम कहते हैं देयर डिरावेटिवस नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं हमारी डेली लाइफ की अगर हम बात करते हैं सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं अब उसकी रीजंस क्या हैं ठीक है आप लोगों ने वो रीजंस पढ़नी है सो कार्बन हैज़ फोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल अगर हम बात करते हैं कार्बन की सो so कार्बन का अटामिक नंबर होता है सिक्स अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं सो दैट वुड बी वन एस टू टू एस टू एंड टू पी टू फर्स्ट सेल के अंदर इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टू सेकेंड शेल के अंदर इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फोर Osionfish. अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हो बोहर तो फर्स्ट शेल में हमारे पास आते हैं दो इलेक्ट्रॉन सेकेंड में हमारे पास आते हैं फोर इलेक्ट्रॉन्स अब अगर आप देखो तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है फोर इलेक्ट्रॉन्स है अभी ये अनस्टेबल है क्यों क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है ना वो कंप्लीट नहीं है अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब है इसको फोर मजीद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अगर इसको फोर मजीद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इसका मतलब है कि इसकी वैलेंसी क्या है टेट्रा विलेंसी टेट्रा क्या होती है टेट्रा मीन्स फोर कार्बन जो है ना फोर बॉन्ड बना सकता है कोलन बॉन्डिंग करेगा शेयरिंग करेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा इसका ऑक्टेट कम्प्लीट होगा जब ऑक्टेट कम्प्लीट हो जाएगा तो ये कार्बन आइटम क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा इसलिए हमारे पास ये कह रहा है कि कार्बन हैज़ फोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल वैलेंस शेल कौन सा होता है सबसे जो लास्ट शेल होता है ना उसको हम क्या कहते हैं वैलेंस शेल अब देखिए कार्बन के अंदर सिर्फ दो ही शेल्स हैं पहला और दूसरा दूसरे में अगर आप देखो जिसको आप वैलेंस शेल भी कहते हो तो सिर्फ फोर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं कार्बन दे आर फोर फॉर्म फोर बॉन्ड्स विद अदर एटम इस वजह से हमारे पास होता है क्या है कार्बन जो है वो फोर बॉन्ड ही बना सकते हैं दूसरे एटम्स के साथ द केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एराइजेस फ्रॉम कार्बन एबिलिटी टू बॉन्ड टू ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन ब्रांच चेन एंड ड्रिंक्स अब केमिकल डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हमारे पास इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं अब उसकी जो एक मेन रीजन है कि कार्बन जो है ना वो दूसरे कार्बन के साथ मिल के लॉन्ग चेन बना सकता है ठीक है कार्बन दूसरे कार्बन आइटम के साथ मिल के इस तरह लॉन्ग चेन बना सकता है और ये जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम एक स्पेशल नाम देते हैं और उसको हम कहते हैं कैटिनेशन ठीक है अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन तो प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन कार्बन की ही होती है और कार्बन क्या करता है कि कार्बन दूसरी कार्बन आइटम के साथ मिलकर लंबी लॉन्ग चेन बना देता है और इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं अच्छा अब इसके अंदर लाजमी नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट चेन बनाएगा अब इस तरह भी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है ये स्ट्रेट चेन कार्बन ने बना लिया अब ऐसे भी हो सकता है कि इसकी यहाँ पे ब्रांच निकल आए यहां पे इसकी ब्रांच निकल आए ठीक है तो ये आपके पास इसको हम कहेंगे ये जो मैंने बनाया ना ये इसको आप कहते हो स्ट्रेट चेन लेकिन ये आपके पास क्या है यहाँ पे ब्रांचेस निकली हैं जैसे आपके पास दरख्त है तो दरख्त में क्या होता है ये उसका होता है स्टेम और इसके साथ क्या निकली होती हैं इसकी डिफरेंट ब्रांचेस निकली होती हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या है ये आपके पास स्ट्रेट चेन है और दूसरी साइड पर इसकी क्या निकली हुई है ब्रांचेज निकली हुई है तो इसको आप क्या कहते हो ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन अच्छा इसके साथ साथ आप लोग पढ़ेंगे ठीक है मैं आपको आगे बताऊँगा कि ये जो कार्बन आइटम है कार्बन आइटम क्या करते हैं कार्बन आइटम इस तरह रिंग बना लेता है ठीक है ये आपके पास कार्बन इस तरह रिंग की फॉर्म में बन जाता है या ये आप लोग आगे इस तरह पढ़ेंगे ठीक है जिसमें आपके पास तीन कार्बन आइटम जो है वो रिंग बना लेते हैं रिंग का मतलब बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं तो इसलिए आपके पास क्या कह रहे हैं कि जो कार्बन है ना उसकी एबिलिटी होती है कि लॉन्ग चेन भी बना सकता है जैसे आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है इसी तरह ये ब्रांच चेन भी बना सकता है यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है इसी तरह ये रिंग्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रहे हैं ना अब सेल्फ लिंकिंग का मतलब है कि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ मतलब सेम एटम के साथ अगर बॉन्ड बनाते हैं ना तो उसका क्या कहते हो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी को हम कहते क्या दैट प्रॉपर्टी इज़ नॉन एज प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन देयर अपीयर्स टू बी ऑलमोस्ट नो लिमिट टू द नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कार्बन कैन फॉर्म अच्छा अब कार्बन जो है ना उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं नो अदर एलिमेंट कैन कंपीट विद कार्बन इन दिस रिगार्ड अब प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन जो है जिसमें कार्बन आइटम अनलिमिटेड कार्बन आइटम आपस में कंबाइन होकर लॉन्ग चेन बनाते हैं जिसको प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन कहते हो इस कार्बन के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके साथ इस वजह से प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन की वजह से कंपीट कर सके कंपीट का मतलब मुकाबला कर सके मतलब ये लॉन्ग चेन बनाता है कार्बन आइटम सिलिकॉन एंड फ्यू अदर एलिमेंट कैन फॉर्म चेन बट ओनली शॉर्ट वन अगर हम बात करते हैं कार्बन की कार्बन के नीचे हमारे पास होते हैं सिलिकॉन एटम ठीक है ये बिलोंग करते हैं ग्रुप फोर्थ ए तो सिलिकॉन जो है ना सिलिकॉन भी अप टू सम एक्सटेंट प्रॉपर्टी शो करता है कैटिनेशन की मतलब ये लॉन्ग चेन बना सकते हैं लेकिन वो क्या होता है बहुत ही शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू कार्बन एटम कार्बन चेन में कंटेन थाउजेंड ऑफ़ कार्बन आइटम आपको मैंने कहा ना कि स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन या साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं ठीक है साइक्लिक फॉर्म मीन रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं अब इसके अंदर थाउजेंड ऑफ कार्बन आइटम भी हो सकते हैं फॉर दीज रीज़न कार्बन फॉर्म आलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस साइजेस शेप्स एंड स्ट्रक्चर अब यही बेसिक रीजन है कि जिसकी वजह से कार्बन जो है ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनफाइनाइट का मतलब जिसकी कोई हद ना हो ठीक है और वो जो आपके पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनकी साइजेस भी डिफरेंट होते हैं शेप्स भी डिफरेंट होती हैं और उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं एनदर रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गैनिक कम्पाउंड इज द फिन ऑफ आइसोमेरिज्म अब इसके साथ साथ ये तो हो गया प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन अगर आपसे कोई पूछता है कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कम्पाउंड क्यों एग्जिट करते हैं तो आपका हो गए हमारे पास इसकी बेसिक तीन रीज़न है एक मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन बता दी है सेकेंड को हम अभी डिस्कस करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी जो है ना दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमेरिज्म अब आइसोमेरिजम क्या होता है आइसोमेरिज्म को आप देखें इस तरह समझें कि हमारे पास क्या है कार्बन आइटम है ठीक है ये एक कार्बन है ये दूसरा है ये तीसरा है और ये दिस इज द फोर्थ कार्बन आइटम इसके साथ आप क्या लगा लें हाइड्रोजन आइटम लगा दें ठीक है दिस इज हाइड्रोजन दिस इज हाइड्रोजन अब कितने हाइड्रोजन लगाने हैं इतने लगाने हैं ताकि कार्बन की जो विलेंसी है ना टेट्रा विलेंसी फोर विलेंसी कंप्लीट हो जाए अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कुछ इस तरह कार्बन वन टू थ्री और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसकी एक ब्रांच लगा लेते हैं ब्रांच क्या होती है एक स्ट्रेट चेन है ठीक है जब अभी मैं आपको बताता हूँ मैं इसके साथ हाइड्रोजन आइटम अटैच कर दूँ फिर आपको मैं बताता हूँ कौन सा स्ट्रेट चेन है अच्छा अब अगर आप इसमें देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल क्या है स्ट्रेट है इसकी कोई ब्रांच कोई टहनी नहीं निकली जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना दरख्त के बारे में उसकी टहनी निकलती है अब इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे तीन कार्बन आइटम बिल्कुल स्ट्रेट चेन में आ रहे हैं ठीक है लेकिन एक क्या है उसकी ब्रांच निकली है ठीक है ये क्या है दिस इज ब्रांच या जिसको आप सब्सटूटेंट भी बोलते हो ठीक है जब आप हायर लेवल पर पढ़ेंगे तो उसको हम कहते हैं सबस्ट्यूटेंट ये होती है पेरेंट चेन ठीक है दिस वन इज नोन एज पेरेंट चेन और पेरेंट चेन के ऊपर जो ब्रांचेस लगी होती हैं उनको आप क्या कहते हो सब्सटूटेंट एस यू बी एस टी आई टी यू ई एन टी ठीक है अच्छा अब देखें इस पर फर्क क्या है यहाँ पे देखें कार्बन कितने हैं मैं इसको चलें एक और कलर के साथ इंसर्कल करता हूँ कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर इसका मतलब है वी है फोर कार्बन आइटम्स हम इसको लिखते हैं सी फोर अब हाइड्रोजन काउंट आउट करें ज़रा हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास इसके अंदर अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हाइड्रोजन कितने हो गए हैं टेन सो so, हमारे पास इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन गया है सी फोर एच टेन ठीक है दिस इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला अब यहां पे दूसरे का जो हमारे पास फार्मूला हम लोगों ने लिखा है इसमें कार्बन आइटम काउंट करें कितने हैं वन टू थ्री फोर इसमें कितने कार्बन है फोर हाइड्रोजन काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हाइड्रोजन कितने हैं टेन है इसका भी मोलिकुलर फार्मूला क्या है सी फोर एच टेन तो फर्क क्या है फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो आपके पास ये वाला है ठीक है फर्स्ट वन ये हमारे पास है स्ट्रेट चेन में तो इसको हम नाम देते हैं एन ब्यूटेन ठीक है अगर फोर कार्बन एटम है ना तो उसको आप क्या कह, कहते हो ब्यूटेन अगर आपके पास स्ट्रेट चेन में है तो आप इसके साथ क्या लगा देते हो एन लगा देते हो अब ये देखें ये आपके पास स्ट्रेट चेन है उससे एक ब्रांच निकली हुई है तो इसका नाम आप क्या कहते हो क्या देते हो आइसो ब्यूटेन ठीक है जब कभी एक ब्रांच निकलती है तो उसको आप एक नाम देते हो जिसको आप कहते हो आइसो आई एस ओ ठीक है आप अपनी बुक में से भी देख सकते हैं सो so, अब अगर आपको यह समझ आ गई है कि मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या है डिफरेंट है तो आप इसकी डेफिनेशन आइसोमेरिज्म की इजिली समझ सकते हो सो द कंपाउंड दैट हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला देखें इसका सी फोर एस टेन है यहां पे भी सी फोर एस टेन है सेम है ठीक है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन देयर मोलिक्यूल्स आर कॉल्ड आइसोमर अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या है दोनों मोलिक्यूल्स की डिफरेंट है एटम अगर हम मॉलिक्यूल्स में एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स की जो अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट है और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं दिज टू आर द आइसोमर ऑफ ईच अदर और ये जो आपके पास फिनोमिना है ना इसको आप क्या कहते हो दिस फिना इज नॉन एज आइसो मैरिजन आई होप सो आपको समझ आ गई होगी बट स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं यहाँ से आपसे पूछ रहे व्हाट इज़ द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ़ दिस कंपाउंड्स ऑफ मोलिकुलर फार्मूला हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं फाइंड आउट कर चुके हैं सी है, फोर एच टेन अब इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं ठीक है आइसो मैरिजन की वो हमारे पास है मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ वन टू थ्री फोर फाइफ वन टू थ्री फोर फाइफ न टू थ्री फोर फाइव अब देखें इसकी वैलेंसी हम सेटिस्फाई करते हैं वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करेंगे इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो हम इसके साथ तीन मजीद हाइड्रोजन एटम लगा देंगे तो इसके चार बॉन्ड पूरे हो जाएंगे अब इस कार्बन ने देखें इधर बॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ पर भी बॉन्ड बनाया हुआ है दो ऑलरेडी बने हुए हैं दो की कमी है तो हम दो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं इसी तरह इस कार्बन के साथ भी हम क्या करेंगे दो हाइड्रोजन अटैच करेंगे यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन अटैच करेंगे अब यहाँ पे इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है ना तो मजीद इसके साथ क्या करेंगे तीन हाइड्रोजन हम अटैच कर देते हैं यहाँ पे देखो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके साथ मजीद आप तीन हाइड्रोजन अटैच करवा दो इस तरह बन जाएगा इस कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं तो आप दो हाइड्रोजन अटैच करवा दें इस कार्बन ने देखें वन टू थ्री थ्री बॉन्ड बनाए हुए हैं तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ पर अटैच कर दें इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे तीन हाइड्रोजन आइटम इसके साथ ऐसे अटैच कर देंगे इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो आप क्या करोगे यहाँ पे इसके साथ तीन हाइड्रोजन आइटम अटैच कर दो इस कार्बन ने ऑलरेडी फोर बॉन्ड बनाए हुए तो इसके साथ कुछ नहीं लगाएंगे यहाँ पर कार्बन है इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके साथ तीन आप हाइड्रोजन आइटम अटैच कर दो यहाँ पर आप क्या कर दो तीन हाइड्रोजन आइटम अटैच कर दो यहाँ पे भी तीन हाइड्रोजन आइटम अटैच करने क्योंकि इसने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना हुआ है तो मज़ीद आप क्या करो उसके साथ तीन हाइड्रोजन आइटम अटैच कर दो अब देखें इसमें जो चीज़ समझने वाली है समझने वाली ये है कि आप देखें कितने कार्बन आइटम मौजूद हैं इसके अंदर इसके अंदर है वन टू थ्री फोर फाइव कितने कार्बन है ये है फाइव कार्बन आइटम हाइड्रोजन काउंट करें तो हाइड्रोजन के लिए हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ये हमारे पास है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व तो हाइड्रोजन कितने हमारे पास ट्वेल्व हाइड्रोजन है, है। यहाँ पे देखें कितने कार्बन आइटम हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कार्बन आइटम है हाइड्रोजन काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व हाइड्रोजन कितने हैं ट्वेल्व है, है. यहाँ पे आप देखो कितने कार्बन हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कार्बन है हाइड्रोजन काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व तो यहाँ पे आपके पास कितने हाइड्रोजन है ट्वेल्व हाइड्रोजन एटम यहाँ पे भी मौजूद है अब अगर आप देखो तो सबका मोलिकुलर फार्मूला क्या है मोलिकुलर फार्मूला सबका सेम है अगर मोलिकुलर फार्मूला सेम है तो इसका डिफरेंट क्या है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है यहाँ पे देखें ये स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम है एक इसके साथ क्या निकली हुई है ब्रांच यहाँ पे ये तीन कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है एक ब्रांच यहाँ पे निकली हुई है और एक ब्रांच यहाँ पे निकली हुई है यहाँ पे देखिए कोई ब्रांच नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट है तो इनका आप नाम कैसे देते हैं अगर कोई ब्रांच नहीं निकली बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है तो इस को साथ आप एन लगाते हो और पांच कार्बन है ना तो इसको आप क्या कहते हो पेंटेन अब यहाँ पे देखें इस ये भी पेंटेन है क्योंकि फाइव कार्बन है ये भी आपके पास क्या है पेंटेन है क्योंकि टोटल इसके अंदर कितने कार्बन है फाइव कार्बन है लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स अगर आपके पास स्ट्रेट चेन में से एक ब्रांच निकली हुई है तो उसको आप नाम देते हो आइसो और पांच कार्बन है तो इसको आप पेंटेन कह देते हो जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया ना कि इसमें तीन कार्बन स्ट्रेट में है और एक क्या निकली हुई इसकी ब्रांच तो इसका नाम आइसोब्यूटेन बनेगा इधर क्या बनेगा आइसोपेन्टेन क्योंकि फाइव टोटल कार्बन है अगर देखें एक स्ट्रेट चेन है उससे दो ब्रांचेज निकली हुई है तो उसके साथ आप क्या लगाते हो नियो पेंटेन लगाते हो एन ओ -E ठीक है अगर आप आपके पास स्ट्रेट चेन है वहां से दो ब्रांचेज रईज होती हैं तो उसको क्या कहते हो नियो पेंटेन दिस मीन्स दैट थ्री कंपाउंड्स हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी फाइफ एच ट्वेल्व अब इससे पहले आपको मैंने बताया ना कि आपके पास तीन स्ट्रक्चर हैं ठीक है तीनों का मॉलिकुलर फार्मूला क्या है सी फाइव एच ट्वेल्व लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या है डिफरेंट है एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्रीजेज द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर आल्सो इनक्रीजेस देखें हम लोगों ने ब्यूटेन के बारे में पढ़ा ना कि हमारे पास एन ब्यूटेन भी होता है आइसो ब्यूटेन भी होता है मतलब इसके कितने आइसोमर हैं दो आइसोमर पॉसिबल हैं फिर हम लोगों ने पेंटेन के बारे में सी फाइफ एस ट्वेल्व के बारे में पढ़ा कि इसके अंदर एन आइसोमर भी होता है इसके अंदर आइसो भी होता है ठीक है और इसके अंदर न्यो पेंटेन भी होता है तो इसका मतलब इसके आइसोमर क्या हैं तीन इसमें टोटल कार्बन कितने थे फोर पेंटेन में टोटल कार्बन कितने हैं फाइव तो जितना कार्बन नंबर इंक्रीज़ होगा उसके साथ साथ उसके नंबर ऑफ आइसोमर्स भी इंक्रीज होंगे सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ आइसोमर इन पेंटेन अभी आपके सामने मैंने ड्रॉ भी किए तो टोटल कितने आइसोमर मैंने बनाए थे थ्री आइसोमर आप वीडियो पीछे देख सकते हो हैगजेन क्या होता है हैगजेन में हमारे पास होते हैं सिक्स कार्बन आइटम ठीक है सी सिक्स एच फोर्टीन इसका मोलिकुलर फार्मूला है ठीक है अब आप लोग इसको ट्राई करें कि हमारे पास इसके कितने कैसे फाइव आइसोमर जो हैं वो पॉसिबल हैं ठीक है देखें कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं अब ये तो आपके पास थी सेकंड रीज़न फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमेरिज्म और थर्ड हमारे पास क्या है कार्बन कैन आल्सो फॉर्म स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स विद अदर एटम लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन जो है एक प्रॉपर्टी क्या है कार्बन कार्बन जो है आपस में सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं दूसरी जिसको आप एक क्लास है ठीक है जिसको आप कहते हो अल्केस आगे की जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे इसको डिटेल से स्टडी करेंगे अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो इससे एक और क्लास बनती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसको आप कहते हो अल्कन और इसी तरह अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन जाए ना तो इसको आप कहते हो अल्काइन तो मतलब कहने का ये है कि कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि आपस में सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं दीज आर नोन एज मल्टीपल बॉन्ड एक से ज़्यादा अगर बॉन्ड बन रहा है ना उसको आप क्या कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड को भी मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि कार्बन कार्बन के दरम्यान में ही मल्टीपल बॉन्डिंग होती है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड पॉसिबल है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है दिस फर्दर इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अब इस वजह से हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा हो जाते हैं मतलब और भी ज़्यादा हो जाते हैं एक तो कैटिनेशन की वजह से लॉन्ग चेन बनाते हैं ब्रांच रिंग बना लेते हैं दूसरा इसके बहुत सारे आइसोमर्स पॉसिबल हैं सेम मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं इसी तरह इनफेक्ट मैनी कॉमन ग्रुप ऑफ एटम कैन अकर विद इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अब इसी तरह बहुत सारे दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो हैं वो भी एग्जिस्ट कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे हमारे पास है सी एच थ्री ओ एच अब ये ग्रुप ऑफ एटम है ठीक है ओ और एच दोनों इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ेंगे एलेवन पॉइंट फोर जो हमारे पास इस चैप्टर की थर्ड या फोर्थ वीडियो होगी ना वहाँ पे हम डिटेल से फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे इसी तरह अगर हम एटम की बात करते हैं अगर सी एच थ्री के साथ हम सी एल लगा दें तो ये सी एल क्या हेलोजन है, है। यह भी आपके पास क्या करेगा एक्ट करेगा एज अ फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लेटर ऑन इंशाल्लाह पढ़ेंगे दिस इज वाई मोर देन ट्वेंटी मिलियन नॉन केमिकल कंपाउंड और नाइन्टी फाइव परसेंट आर कम्पाउंड ऑफ कार्बन अब आप सोच सकते हैं ठीक है कितने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलरेडी नोन एंड न्यू वन आर बीइंग डिस्कवर्ड एवरी डे ठीक है कहता है कि मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको ऑलरेडी डिस्कवर कर चुका हुए हैं साइंटिस्ट और बाकी जो हैं उनके ऊपर हर रोज काम हो रहा है और हर रोज नए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिस्कवर हो रहे हैं इनफैक्ट मैनी कॉमन ग्रुप्स ऑफ एटम कैन अकर विद इन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप अच्छा ये ऊपर का जो ऊपर की जो लाइन है ना इसको दोबारा से रिपीट किया गया है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं सो so, स्टूडेंट इससे ज़्यादा अगर हम वीडियो को लेके जाएंगे तो वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी सो so, नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो होगी जिस उसमें हम पढ़ेंगे जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं मैं आपको टाइमली उसका रिप्लाई दूँगा और अगर कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी तो उसी क्वेश्चन के ऊपर मैं आपके लिए अलग सी वीडियो भी बना के अपलोड कर दूंगा और मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट